Hello everyone, welcome back to my channel. So friends, कैसे आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सभी लोगों की होली की तैयारी? तो बहुत 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 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आया है. मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी. आप भी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है. आई होप कि आप लोगों को ये सुनाई दे, बट थोड़ा सा मेरी वॉइस अभी क्लियर नहीं है. और मेरी चल रही है अभी होली की तैयारी, और मैंने अभी गुजिया बना लिया है, और अब मैं ये गुलाब जामुन बना रही हूँ. मैं अभी बना रही हूँ गुलाब जामुन, और आपको पता है अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, और रात के 1:30 बजे मैं अपने किचन में हूँ. अभी मैंने अपने बर्तन किए और किचन क्लीन किया, क्योंकि मेड कल नहीं आई थी. आज भी वो हाफ डे ही आई थी, फेस्टिवल है तो वो कल नहीं आएगी, इसलिए मुझे ही ये सब करना था. तो मैंने सोचा जब मुझे करना है तो मैं कर लेती हूँ अभी ही. और रात के समय बहुत शांति होती है और मुझे काम करने में बहुत आसानी होती है. तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने अभी अपने गुलाब जामुन बना के रखे हुए हैं, और इधर कढ़ाई में तल रही है, और इधर मेरी चाशनी तैयार है. और उसके बाद मैं थोड़ा सा अभी चाय बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि बहुत रात हो गई है और मेरे गले में प्रॉब्लम है. तो ये गुलाब जामुन बनाने के बाद मैं थोड़ी सी चाय पी लूँगी, या हो सकता है बीच में ही पी लूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा मेरे गले को भी राहत मिल जाए, आराम मिल जाए. और अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर ना सुनाई दे पाए तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और बहुत दिन हो गया था वीडियो के लिए. और होली का त्यौहार है तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग तो बनता है होली के लिए. और मैंने अभी शक्करपारे बनाए हैं, गुजिया बनाई है, और अब मेरा गुलाब जामुन बन रहा है. इसके बाद मुझे और दो तीन चीज़ें बनानी है, मटरी, नमक पारे और कचौड़ियाँ. और कल जो खाना बनना है वो तो अलग है, मुझे ये चीज़ें अभी बनानी बाकी हैं. तो मैं दही बड़ा बनाऊँगी, कांजी बड़ा भी बनाऊँगी. तो ये सारी चीज़ें मैं अभी कल बनाऊँगी, रात के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है. तो मैं जल्दी से इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. तो ऑलमोस्ट मेरा गुलाब जामुन तैयार हो गया है, और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा गुलाब जामुन. मेरा गुलाब जामुन ये देखिए, यम्मी है. ऐसे भी मैंने टेस्ट नहीं किया है कि रात के 1:30 बजे गुलाब जामुन बनाना तो ठीक है, सो के, बट टेस्ट करना, तो भी मैंने गुलाब जामुन टेस्ट नहीं किया है. और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से काम और निपटा लूँ. आप लोग क्या कहते हैं, इस वक्त मुझे और काम करना चाहिए किचन का? तो अगर मैं करूँगी कुछ और काम तो मैं थोड़ी सी नमकीन बना लूँगी मैदे वाली, या फिर मटरी बना लूँगी, या फिर मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी तो ये गुलाब जामुन तैयार हो जाए. एक्चुअली खड़े खड़े मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई है बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन का मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है. तो खड़े खड़े मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जा रही है, इसलिए मैं अब और खड़ा न रह के अब मैं रूम में चलती हूँ, गुलाब जामुन रेडी हो जाए उसके बाद. और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि होली के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है. वैसे तो बहुत ढेर सारी शॉपिंग है, कपड़ों की, क्रॉकरीज की, रंग, पिचकारी, और पता नहीं क्या क्या जो भी चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत. तो खैर मेरी शॉपिंग थोड़ी बहुत नहीं हुई है, मेरी शॉपिंग बहुत ढेर सारी हुई है, क्योंकि मैंने कुछ बर्तन भी ख़रीदे हैं, और क्रॉकरीज ली हैं, और मतलब छोटी मोटी मैंने बहुत ढेर सारी चीज़ों की शॉपिंग की है. तो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी एक एक करके. और फिलहाल तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन मेरे गुलाब जामुन पे है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ, मैं दूध देखती रहती हूँ, जहाँ नज़र इधर जाता है मैं थोड़ी सी भी जगह दूध बॉयल होकर पूरा स्पॉयल हो जाता है, और फिर उसके बाद वो बहुत ही गंदा लगता है. और गुलाब जामुन तो बहुत ही सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा नज़र इधर उधर हुआ और गुलाब जामुन या तो आधे कच्चे रह जाएंगे, आधे जल जाएंगे, या फिर पूरे चारों तरफ से प्रॉपर नहीं पकेंगे, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है. और हमेशा ध्यान रखना है कि गुलाब जामुन को हमेशा प्रॉपर धीमी आँच पे और अच्छे से सुनहरा करना है,
ताकि वो अच्छी तरह से पकें और अंदर उनकी गुठलियाँ ना रहें। तो गुलाब जामुन मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने अभी सिर्फ ये पैकेट ही बनाया है, ये गिट्स का गुलाब जामुन है। वैसे तो नॉर्मली मैं खोए से, मावे से बनाती हूँ गुलाब जामुन, बट इस वक्त चूँकि फेस्टिव सीज़न है तो दुकानों पे जो है वो मावे में बहुत ज़्यादा मिलावट मिलेगा, लेकिन गुजिए के लिए चूँकि मजबूरी थी तो गुजिए के लिए मैंने लिया। और मैंने बहुत ढेर सारा गुजिया नहीं बनाया है क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं बन पाएगा, तो मैंने सिर्फ हाफ के जी खोआ लिया था, उसी का मैंने गुजिया बनाया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं बना सकती। और आप लोगों को पता है कि गुजिया अकेले नहीं बन सकता, तो गुजिया बनाने में मेरी हेल्प पियो ने की है और अभी वो सो गई है क्योंकि सुबह उसको फुल एनर्जी चाहिए खेलने के लिए, रंग खेलने के लिए। आज मैंने जो परचेज़ किया है वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हैं जो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। ये मैं आज वाली चीज़ें आपको दिखाती हूँ। ये मुझे कुछ किचन कंटेनर लेने थे, तो ये मैंने तीन का सेट आता है वो मैंने लिया क्योंकि इसी में का मेरे पास था, तो ये मैंने तीन के सेट का लिया है। और एक मैंने चीज मतलब एक मैंने शकरपारा भर के किचन में रख दिया है और इनको भी मैं यूज़ में लाने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो ये मैंने तीन डब्बे लिए, प्लेटें मैंने ली, छः का सेट है। तो ये सेरेमिक है, ये बोन चाइना का नहीं है क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि बोन चाइना जो मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं उन्हें बोन चाइना यूज़ नहीं करना चाहिए, तो अब मैं इन चीज़ों को खरीदते वक्त ध्यान रखती हूँ कि ये बोन चाइना ना हो। तो ये सेरेमिक है। और उसके बाद मैंने लिया है ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी सी प्लेट है जो कि केले के पत्ते के डिज़ाइन की है। तो ये दो छोटी हैं और दो बड़ी हैं, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी तो ये मैंने लिया। एक्चुअली लेने में कुछ भी नहीं गई थी, बट मुझे चीज़ें थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखी और मैंने ले लिया। और मैंने ये छोटी छोटी सी दो बास्केट ली हुई हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखी मुझे, तो मुझे लगा कि इन्हें भी ले लेना चाहिए, ये लिया मैंने। और मैंने एक स्टील का एक छोटा सा ये टिफ़िन है इसको मैंने लिया, इसको मैं अपने मंदिर में यूज़ करूँगी। मंदिर में जो घी की बत्तियाँ भिगो के रखने के काम आएगा ये, उसमें मैं यूज़ करूँगी। और मैंने ये काफ़ी हैवी है, ये एक्चुअली ये मैंने माइन की हैं, ये मैंने छोटे छोटे से बॉल्स लिए हैं, ये 12 बॉल्स हैं। ये बहुत अच्छा है, छोटा सा आपको कोई डेजर्ट सर्व करना हो या फिर दही बड़े या कांजी बड़े सर्व करने हो
या फिर चटनी देनी हो तो ये बहुत ही प्यारा सहज छोटू सा, और ये मैंने 12 लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें, और काफ़ी कलरफुल है, ग्रीन, रेड, येलो, ये तो खैर वाइट है, इस पर पिंक है, ये ब्लू, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा। और ये मेरी आज की शॉपिंग है जो मैंने आज किया है, और कलर वगैरह की शॉपिंग मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने कांच की ग्लास लिया है, एक हाथ से निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे ये, तो ये जो ग्लास है ये मैंने लिया है, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये ग्लास ले लिए, 6 का सेट ले लिया, क्योंकि अब समर आ रहा है तो थोड़ा सा ऐसे ग्लासेस और उसमें जूस काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये मैंने ले लिया। मैं और लेना चाह रही थी बट मुझे कुछ और पसंद नहीं आया, तो मैं सिर्फ यही एक लेके आई। तो ये थी मेरी किचन की बर्तनों की शॉपिंग, ये थोड़ी सी है, और जो मैंने स्टील के बर्तन लिए हैं अभी मैंने कुछ, वो स्टील के बर्तन, और मैंने थोड़ा सा कंटेनर वगैरह लिया है, वो सब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी सारी चीज़ें शेयर कर जाऊँगी तो आई थिंक मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा सा काम भी फैल जाएगा और व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि व्लॉग्स जब लंबे होने लगते हैं तो काफ़ी बोरिंग लगने लगते हैं। और हाँ, और होली की बात है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है कलर, पिचकारी, तो हाँ इन्होंने बहुत ढेर सारे कलर लिए हैं, पिचकारी ली है, और उसने कोई ऑटोमेटिक बलून लिया है, वो काफ़ी अच्छा है। तो फिर अब मैं सोती हूँ, मैं आपको कलर वगैरह भी दिखाऊँगी थोड़ी देर के बाद आई थिंक मॉर्निंग में जब मैं उठूँगी सोती, और अब मैं सोने जा रही हूँ, फिर जल्दी ही मिलती हूँ। बाय, गुड नाइट। No!